बारे में उनका एक जो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है या एक सोशल एजेंडा होता है, तो उनका खुद का ओपिनियन होता है एंड दे जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी होते हैं वो उसको रेडी होते हैं फेस करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कपिल्स ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो इनअप्रोप्रिएट है, तो वो रेडी हैं उसको फेस करने के लिए, या अगर आपको लगता है कि सही किया है तो उसके जो उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी वो फेस करेंगे। हर रोज़ ना आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है स्टेटमेंट में, उसका उसका सही मतलब निकालना ज़रूरी होता है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन से ख़राब होता है मामला। बाकी आई डोंट थिंक इस कंट्री में हम बोलते हैं कि वी शुड हैव एन एक्सप्रेशन एंड वी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बट जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं लोग कि ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। हम कुछ करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। जब आपके पास फ्रीडम है बोलने का, तो फिर आप क्यों किसी को बोलते हैं कि ये तुमने कैसे बोल दिया, ये तुमने क्यों बोल दिया। जैसे कि हम आप अलाउ करो कि ठीक है ये आपका ओपिनियन, छोड़ दो उस आदमी को। अगर आपको सही नहीं भी लगता है उसने एक्सप्रेस किया, आपको सही नहीं लगता, आप बोलो कि बस हम एग्री नहीं करते, बट छोड़ दो। आप उसको क्रूसीफाई क्यों करते हो, जबकि हमारे डेमोक्रेसी का रूल ये है कि भैया वी अलाउड टू एक्सप्रेस, बट वी विल क्रूसीफाई दोस पीपल कि आपने बोला कैसे। एक एक स्टेज पे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री बड़ी टॉलरेंट कंट्री है, लेकिन कोई किसी से गलती होती तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, हम खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो फिर टॉलरेंस कहाँ रहा। एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरीवन हैज हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आज अगर मतलब मैं कपिल को सालों से जानता हूँ एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड स्वीटेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। तो अगर किस चीज़ से अगर कपिल ने, मैं एक्चुअली टेक्निकली जानता नहीं हूँ क्या हो गया। मीडिया एक्सपोजेस थिंग्स, बट यू डोंट हैव टू नेसेसरली बी इन द मीडिया टू एक्सपोज थिंग्स नो। तो अगर वो मीडिया में नहीं रह के अगर कोई चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं तो आप क्यों ब्लेम कर रहे हो उसको, वो तो आपका काम कर रहे हैं, वो तो आपका काम कर रहे हैं ना। आपको तो उनको तारीफ करना चाहिए कि भाई क्या कमाल कर दिया आपने, चलो उसको एक ऐसी चीज़ बता दी जो सोसाइटी को हेल्प करती है। उनको थोड़ी कुछ पड़ी है कोई फालतू में कोई चीज़ न्यूज़ देने की, कुछ सच्चाई होगी उस तब जाके उन्होंने बोला है, वो भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बोला है। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, इसमें क्या बात है, वो तो प्रूफ करने के लिए भी तैयार होंगे कि वो पागल थोड़ी है कि वो कुछ ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो हम लोग को हर चीज़ को ना एक दूसरे एंगल से देखना कि क्या बोला है, क्यों बोला है, और आदमी की या तो समझो। आपकी कोई राय? आप इतना सा इतनी वो इंटेंशन वो नहीं है जो उन्होंने किया होगा, वो इंटेंशन से नहीं वो ट्वीट किया हो, इंटेंशन कुछ और होता है हमेशा, वो बहुत ही लाइट होता है, वो उसको आप सीरियसली ले लेते हैं, वो इट इज़ नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। बाकी अरबाज भाई ने तो काफ़ी क्लियर कर ही दी चीज़ें, बट हम लोग यहाँ अपनी फिल्म का सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और ईद मनाने के लिए आए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कौन सा चट्टी वाला तो सुन लिया सबने, और आप खुद ही सब लोग खुद ही अभी बोल रहे हैं चट्टी लॉन्ड्री गई है और जो आएगी इतनी 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 यूज हो चुकी है वो चट्टी कि अब वो लॉन्ड्री गई है। क्या घमंड, तो हम पहाड़ कभी घमंड तो हम पहाड़ कभी तोड़ दे, फिर तू क्या चीज है बे। नवाज भाई से एक चीज़ था, जब फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो मैंने देखा कि हर दिन आप लोग मुंबई वापस आते थे, फिर दूसरे शहर जाते थे, कभी दुबई जा रहे, तो मतलब बहुत 10-15 दिन का जो टाइम था, तो नवाज आप कितने दिन नहीं सोए या बहुत कम सोने को मिला, या कितनी थकान हो जाती है जब एक शहर जाते थे वहाँ पे कम से कम 20-20 लोगों से? देखिए सारी थकान उतर जाती है जब आपकी फिल्म की फिल्म को अप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है, लोग मेरी फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज़ गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। वो सारे कितने दिन हम नहीं सोए, अफकोर्स बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो मतलब सोना बहुत कम मिल रहा था सबको हमको, बट अभी बहुत अब फील हो रहा है कि वापस जो मेहनत की वो कामयाब हुई और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं हमारी फिल्म को, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ मैं कि आदमी तभी थकता है जब वो वैसा काम करता है जिसको वो प्यार नहीं करता या जिसमें उसको उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। जब आपका इंटरेस्ट रहता है तो आप 24 घंटे काम कर सकते हो। हमारी फिल्म से हमारा लगाव है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म पब्लिक में आए, मीडिया के सामने हम अपने हम मीडिया के सामने जा रहे थे, हम वो सब चीज़ें कर रहे थे जिसका हमारा इंटरेस्ट था, हमारी फिल्म के लिए कर रहे थे, तो तब तो एनर्जी तो डबल हो जाती है, तब तो सोना होना तो क्या, हमके पास तो इतनी एनर्जी रहती है कि हम 10 सिटी और करने के लिए तैयार थे।
अच्छा इसके बाद लास्ट अब तीनों का बिरयानी खा रही है ना इसके बाद वहाँ पर शॉट तो डालो उधर बिरयानी का इसके बाद बिरयानी हम तो और सवाल पूछना चाहते हैं ये मना कर गया मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद कौन कौन से काम आप शुरू करेंगे थकान उतर जाएगी इसके बाद नवाज आप कौन सी फिल्म में काम करेंगे सोहेल आप और आप बस ये अब तो कुछ सोचा तो है नहीं लेकिन दो स्क्रिप्ट पे काम चल रही है एक है माय पंजाबी निकाह और दूसरी है शेर खान तो एक बार वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए एक बार मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ क्या स्क्रिप्ट पे अच्छा काम हो चुका है फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ाएंगे और सोचेंगे क्या किस जो एक्टर उस कैरेक्टर में फिट होता है लेकिन ये अभी थोड़ा प्रोसेस होगा अभी तो सिर्फ ये दोनों स्क्रिप्टों पे काम चल रही है अभी मैं सिर्फ फ्री के लिए चूँकि रिलीज़ हुई लोग पसंद कर रहे हैं आज तो मैं अभी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता उसका मज़ा ले रहा हूँ लोग देख रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं बहुत अच्छी इंटरटेन हो रहे हैं लोग उसका मज़ा ले रहा हूँ मैं इन सबसे ज़्यादा बिजी हूँ मैं कुछ ज़्यादा फिल्में कर रहा हूँ एज एन एक्टर मेरे को एक मेरा जो कीड़ा जो एक्टिंग का वो जाग गया है अच्छी फिल्में कर रहा हूँ मैं अभी फ्री की अली की है इसके बाद एक फिल्म में जैक एंड दिल वो कर रहा हूँ एक तेलुगु में फिल्म मैंने साइन की है वो हो रही है ऐसे दो तीन फिल्में मैंने अभी साइन की है तो मैं अभी उसमें बिजी हूँ मेरी भी थकन निकल गई है उस चक्कर में और उसके बाद अगले साल जो आपको सुनना है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार है वो हम बाद में बताएंगे रिलीज़ के बाद खुश हैं बहुत खुशी हो रही है सबको क्योंकि स्पेशली जैसे मैंने बताया कि लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को बहुत अच्छा लग रहा है आपको सलमान भाई भी खुश हैं और हम मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं मास में रीच हो गई तो इससे अच्छी बात और क्या अच्छी है थैंक्स टू सोहेल भाई कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया उन्होंने Okay, अच्छा, बहुत सारे लोग करते थे लेकिन रटना पड़ेगा उसको उसमें काफी टाइम लगता है तो अगर चैलेंज देना रहेगा तो आप कौन से एक्टर को चैलेंज देना चाहोगे अरे यार मैं मुझे रणवीर सिंह मिला जिम में अच्छा हाँ तो ये कुछ इन्होंने कुछ नॉमिनेट किया था रणवीर सिंह को तो मुझे रणवीर से मिला जिम के अंदर तो बोला क्या है यार क्या यार नवाज भाई ने मेरे को फंसा दिया है यार इस चक्कर के अंदर मैं नहीं करने वाला ऐसा नहीं नहीं वो तो क्योंकि हमने जेन्युइनली सोचा था कि अब एक्चुअली वी थॉट दैट रणवीर इज द ओनली किड हुज गॉट सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो मच ऑफ जेस्ट यू नो दैट ही कुड टेक ऑन द चैलेंज बट ही सेज दैट नहीं यार वो नवाज भाई फर्स्ट क्लास किया है मैं नहीं करना चाहता वो तो नवाज भाई I said, done, done. I said, कोई प्रेशर नहीं है भाई आई सेड आई जस्ट दैट नवाज भाई थिंक्स यू टू बी वेरी टैलेंटेड एंड सेड दैट वन ऑफ द न्यू एज दैट इफ एनीबडी कैन यू नो रिमेंबर पुल इट ऑफ बिकॉज किसी के पास तो वो सीन है नहीं जो जैसे नवाज भाई के पास है तो वो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी वन बट अपैरेंटली दिस अ किड ऑन यूट्यूब दैट सलमान भाई ने उनको एक बच्चे को डाला है पूरा हाँ वो उसने सिर्फ दो तीन बार देख के हाँ उसने फटाफट बोल दिया उसने किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू कम लेट्स ईट कम